सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? जैसे डिमांड का मीनिंग होता था, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय। यहाँ पर सप्लाई है तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे या मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट विल बी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली क्या होगा, पर्टिकुलर प्राइस की जगह हम डिफरेंट प्राइस भी कर सकते हैं। रीजन बीइंग इज क्वांटिटी हमारी फिक्स रहेगी, प्राइस फिक्स होगा एंड पीरियड वुड बी गिवन। तो सप्लाई सेम, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विलिंग और विच अ प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड ड्यूरिंग डिफरेंट प्राइसेस, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। अब सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है? जैसे स्टॉक मतलब क्या हुआ, मैंने टोटल क्वांटिटी फैक्ट्री में लेट से 1000 kg बना के रखी हुई है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की स्टॉक मैंने बनाकर रखा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ अभी मार्केट में रेट थोड़ा कम है, तो मैं सारा का सारा जो स्टॉक है वो नहीं निकालूंगा। मैं कहता हूँ अभी मैं 500-600 kg निकाल दूंगा, 400 kg में रखूंगा, मुझे लगता है बाद में रेट बढ़ जाएगा। तो स्टॉक रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद मी। अभी मेरे पास टोटल 1000 kg पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसमें से कह रहा हूँ कि अभी 600 kg ही बेचना चाहता हूँ। तो 1000 kg वुड बी माई स्टॉक टोटल क्वांटिटी एंड 600 जो मैं अभी बेचना चाहता हूँ दैट वुड बी माई सप्लाई। तो यू कैन से सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक को कोई टोटल क्वांटिटी और सप्लाई उसका टोटल पार्ट और उसका एक छोटा सा पार्ट। तो देखिए लिखा हुआ है, स्टॉक इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड। While supply is that part of the stock of commodity which is offered for sale at particular price during a period of time. अब generally कुछ cases में कुछ लोग question पूछते हैं, क्या supply और stock same हो सकता है? हाँ हो सकता है। मान लो मेरे पास total 1000 kg मेरे पास stock रखा हुआ है, मैं कहता हूँ अच्छा जिसको जितना चाहिए ले जाओ, मैं सारा देने के लिए तैयार हूँ, जिसको जैसे जैसे buy करना है कर सकता है। तो इस case में 1000 kg मेरे पास पड़ा है, मैं सारा का सारा बेचने के लिए रेडी हूं, तो इस केस में सप्लाई और स्टॉक क्या हो गया, सेम। लेकिन सप्लाई कभी भी स्टॉक से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों? जब मेरे पास टोटल उतनी क्वांटिटी होगी ही नहीं तो मैं बेचूंगा कहां से? तो अगर सब स्टॉक 1000 है तो मैक्सिमम सप्लाई भी कितनी हो सकती है, 1000। लेकिन सप्लाई स्टॉक से कम भी हो सकती है कि 1000 kg मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन अभी मैं बेचना ही 600 kg चाहता हूं। तो सप्लाई कैन बी लेस देन स्टॉक बट स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। तो ये डिफरेंस होता है सप्लाई एंड स्टॉक के अंदर। तो सप्लाई होती क्या है कि जो एक प्रोड्यूसर या जो बेसिकली सेलर जो है पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचना चाहता हो मार्केट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जैसे अब मैं लेट्स से एक सेलर हूं एंड आई वांट टू सेल दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब इस केस में मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई अगर मैं क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ तो मैं जनरली एक्सपेक्ट करता हूँ, सेलर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि मेरी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा मिलना चाहिए, आई शुड रिसीव मोर प्राइसेस ऑफ माय कमोडिटी। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, तो सप्लाई शेड्यूल का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमें पता हुआ है सब। जैसे इसमें मैं ये चाहता था कि जैसे जैसे मेरी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा मैं चाहूंगा मैं अपनी सप्लाई भी बढ़ा दूं। रीजन बीइंग इज अगर मेरी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को लगता है कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो उस केस में हमारा सप्लाई और प्राइस का कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डिमांड में क्या होता था, इनवर्स रिलेशनशिप होता था, क्योंकि वो कंज्यूमर पे कॉन्ट्रीब्यूट होता था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। लेकिन सप्लाई के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और जब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ेगी तो उसको हम कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप और यू कैन से पॉजिटिव रिलेशनशिप एक ही मतलब हुआ। कभी भी किसी चीज में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो उसका ग्राफ क्या बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिव स्लोपिंग। तो जनरली हम वाई एक्सिस पे क्या मेजर करते हैं, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या मेजर करते हैं, सप्लाई। जब हम उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई स्केड्यूल। और जब हम उसको कर्व बनाकर दिखाते हैं, डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। तो मीनिंग सेम होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, जैसे सप्लाई का जो मीनिंग था सेम मीनिंग है, लेकिन
यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाता है, दैट इज टैबुलर स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, अ सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर स्टेटमेंट कंटेनिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो देखो प्राइस डिफरेंट 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 हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी हो रही है, तो सेम मीनिंग है सप्लाई वाले ही, बस इसके अंदर क्या लिखा है, टैबुलर स्टेटमेंट कंटेनिंग या शोइंग, एक ही बात होती है। जब आप उसको डायग्रामेटिक या ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो तो जहां पर ये टैबुलर स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपने, यहाँ पर आ जाएगा ग्राफिकल कर्व और डायग्रामेटिक कर्व, एक ही मतलब होता है, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो देखिए, अ सप्लाई कर्व मे बी डिफाइंड एज अ ग्राफिकल कर्व रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो देखिए टैबुलर स्टेटमेंट की जगह इन्होंने ग्राफिकल कर्व कर दिया, कंटेनिंग कर लो या रिप्रेजेंटिंग कर लो या शोइंग कर लो, एक ही मतलब होता है। तो ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। अब इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लॉ ऑफ सप्लाई। ऑफ सप्लाई यही कहता है, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अभी हम डिस्कस करेंगे अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल और व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन सेम क्या होते हैं। तो अभी जैसे डिमांड में होते थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे होते थे डिमांड में अदर फैक्टर्स। सप्लाई में अदर फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन सेम और अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। तो देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट इंक्रीज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। तो वही चीज होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई कम होगी। तब भी अब कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस गिरेगा सप्लाई भी कम होगी तो क्या उसमें नेगेटिव कब बनेगा, नेगेटिव कभी नहीं बनता, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, सप्लाई कब कभी भी नेगेटिव स्लोपिंग नहीं होगा। अब देखो प्राइस ज्यादा हुआ, अगर मान लो मैं ये कहता हूँ ये वाला लेवल है प्राइस का, तो मैं इस प्राइस पर कितनी सप्लाई डिमांड करूंगा, इतनी सप्लाई करूंगा, तो इसकी क्वांटिटी सप्लाई यहां आएगी। लेकिन जब प्राइस में मैं कहता हूँ ये वाला प्राइस एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से ये वाला प्राइस आई एम एज्यूमिंग, ये वाला, ठीक है, तो सॉरी ये इससे नहीं हो रहा प्रिंट, तो लेट्स से मैं ये वाला प्राइस आपको कहता हूँ इस वाले पॉइंट पर, तो यहां पर अगर मैं ये प्राइस कंसिडर करूंगा तो सप्लाई देखो कितनी होगी, इस वाले पॉइंट पर आएगी, तो इस केस पे सप्लाई कितनी होगी, इतनी। तो अगर कम प्राइस होगा तो सप्लाई भी कम होगी, लेकिन अगर ज्यादा प्राइस होगा तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। ये वैसे बिल्कुल बेसिक डिमांड की तरह था, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं था, सेम डिमांड की तरह था। आई हैव एक्सप्लेन दिस, आई होप इसके अंदर आपको कोई डाउट वगैरह नहीं होगा, है किसी को कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब जनरली एक क्वेश्चन आता है कि जो सप्लाई का होता है ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, Why the supply curve generally slope upward to the right? ऊपर क्यों जाता है supply curve? तो देखिए उसका reason क्या है? Supply curve of the firm shows positive relationship between price of the commodity and its supply. If the price increases, firm will be attracted to the commodity and supply of the commodity will increase. अब generally what happens is कभी किसी commodity का let's say एक example normal ले लेते हैं बिल्कुल मतलब समझने के लिए। लेट्स से हम कहते हैं वेजिटेबल मार्केट है, अब वेजिटेबल मार्केट में लोगों को लग रहा है कि अनियंस के रेट बढ़े जा रहे हैं, तो जनरली जब अनियन के रेट बढ़ेंगे तो जो और मार्केट में प्लेयर्स जो हो सकता है अनियंस में डील नहीं करते हो, पटेटोस टमाटोज में डील करते हो, वो भी कहते हैं कि अनियन के रेट बढ़ रहे हैं तो इसलिए हम भी अनियन सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब रेट बढ़ेंगे तो हमारे को प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो फर्म्स वुड बी अट्रैक्टेड टू सेल मोर कि हम ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो देखिए पॉजिटिव, जब इफ प्राइस इंक्रीजेस फर्म विल बी अट्रैक्टेड टू द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, इट इज सो बिकॉज फर्म्स आर मोटिवेटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर, सिमिलरली एट लोअर प्राइस ऑफ द फर्म
एट लोअर प्राइस अ फर्म विल लाइक टू सेल लोअर क्वांटिटी, तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व में बेसिकली क्या होता है, सप्लाई कर्व में बेसिकली अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे मान लो मैं तो ऑलरेडी सप्लाई कर रहा था अनियंस, तो आप लोग, मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करनी शुरू कर दूंगा क्योंकि मेरी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए। लेट्स से आप लोगों में से कोई पोटैटोस टमाटोस सेल करता था, आप कह रहे कि ऑनियंस के रेट बढ़ रहे हैं, तो यार मैं भी ऑनियंस थोड़ा थोड़ा सप्लाई करना शुरू कर देता। तो जैसे जैसे कमोडिटी का रेट बढ़ा, उसमें क्या हुआ, कुछ फर्म्स अट्रैक्ट हुई, उन्होंने भी क्या करा, ऑनियंस की सप्लाई शुरू कर दी। और जब ऑनियंस की सप्लाई शुरू कर दी तो ऑब्वियसली जब, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइस बढ़ा ऑनियंस की सप्लाई भी बढ़ गई। लेकिन कल को कह दो ऑनियंस के रेट गिर गए, जब अनियंस के रेट गिर गए तो आप लोगों में से आप कहते हो कि भाई मैं तो टोमेटो बेचता हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, कौन बेचेगा अनियन लोअर पे, कोई प्रॉफिट मिलता नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जब प्राइस कम होता है तो फर्म वुड लाइक टू सेल लोअर क्वांटिटी और नई फर्म्स उस कमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। इसके अंदर कई बार ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बाय सप्लाई कर्व जनरली स्लोप अपवर्ड। अब हम ये लाइन तो लिख देते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, बट ये तो 1 मार्क का हुआ, मेन लाइन ये वाली है इस आंसर की, कि जैसे 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 प्राइस बढ़ेगा तो नई फर्म्स कुछ अट्रैक्ट होंगी कि हम उसको भी उसको सेल करना शुरू करें ताकि हमारे को प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो। तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। तो व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप जनरली अपवर्ड टू द राइट, सो दिस जनरली कम्स अप 3 मार्क्स क्वेश्चन, सो दैट इज दिस पॉइंट। देन जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि देर आर सम अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट दी डिमांड, जैसे फैक्टर्स अदर देन प्राइस में मैंने भी आपको बताया कि कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, वो किसके थे, डिमांड के। सिमिलरली अब सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन में देखिए सिंपल सा मैंने बोला था, फंक्शन में क्या होता है, ये एस एन शो कर रहा है सप्लाई, एन स्टैंड फॉर लेट्स से कमोडिटी, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन क्योंकि फंक्शन बोल रहा है, पी एन स्टैंड फॉर, अब ये सप्लाई एन कमोडिटी है तो प्राइस भी किसका हो गया, एन पे ही हुआ, तो इसमें क्या हुआ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, गुड इटसेल्फ, ये देखो पी एन लिखा हुआ है। देन पी जीरो स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ अदर गुड, ये लिखा पी जीरो, पी आई स्टैंड फॉर, ये सारे यहां लिखे हुए हैं आपके, प्राइस ऑफ इनपुट्स, प्लीज रिमेंबर प्राइस ऑफ इनपुट्स, एंड देन देयर इज कम्स इज एस पी टी एंड जी, तो एस पी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन पी स्टैंड फॉर टैक्सेस एंड जी स्टैंड फॉर गोल ऑफ द फर्म। तो ये आज हमारा मेन टॉपिक होगा कि भाई इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें फैक्टर्स थोड़े अलग ही हो गए एज कम्पेयर टू डिमांड। जनरली अगर आप चेक करोगे कि सप्लाई किस किस चीज से अफेक्ट होती है, ऑब्वियसली प्राइस से तो होगी होगी, तो ये पी ओ पी आई एस टी टी एंड जी, ये जो 3-4 फैक्टर 5 फैक्टर्स जो हो गए, ये कौन से हो गए, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जो हम कह रहे थे कीपिंग अदर फैक्टर्स सेम। तो अदर फैक्टर्स सेम में कौन से आ गए, ये वाले 5 फैक्टर, भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ इनपुट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, गोल ऑफ द फर्म, ये सारे क्या रहेंगे, सेम, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। तो अदर फैक्टर्स ये 5 हो गए, पी एन क्योंकि हमारा क्या है, प्राइस। तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, भाई वही होता है, सप्लाई फंक्शन बेसिकली मीन्स जो फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है इंडिविजुअल सप्लाई, ये सप्लाई हो गई हमारी, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये सारे फैक्टर्स हो गए जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उस गुड का खुद प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ इनपुट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेस एंड गोल ऑफ द फर्म। तो अब ये सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस डिटरमिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फर्स्ट, प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, ये तो आपको पता ही है कि द प्राइस ऑफ द गुड अफेक्ट्स इट्स सप्लाई। हाउ? बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। इफ प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड मीन्स इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज और वाइस वर्सा। फिर उन्होंने वही रीजन दिया हुआ है, दिस हैपन्स बिकॉज जितना ज्यादा प्राइस होगा उतने चांसेस होंगे ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए या अर्न करने के लिए। देखिए लाइन लिखी हुई है, दिस इंड्यूसेस द फर्म टू प्रोड्यूस मोर,
दिस इंड्यूसेस मींस दिस मोटिवेट द फर्म टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल मोर इन द मार्केट। मुझे लगता है मेरी डिमांड ज्यादा है भाई, मेरे से सब पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अपने रेट बढ़ा देता हूँ, तो लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो द सेम इन दिस केस कि अगर मेरी कमोडिटी का रेट बढ़ रहा है तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बनाऊं और सेल करूं। सो दिस इंड्यूसेस द फर्म टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल मोर इन द मार्केट। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और ये बोल रहा है द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। बट इसके अंदर क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे सेम, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे सेम, मतलब दे विल नॉट चेंज। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अब अदर फैक्टर्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि प्राइस सेम होगा, ये सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स। तो लेट अस सी प्राइस ऑफ अदर गुड। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था अनियंस का, ठीक है। अगर अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि मैं तो ऑलरेडी अनियन सप्लाई कर रहा था, ठीक है, और आप लोग टमाटोज पटैटोज जो भी सेल कर रहे थे मार्केट के अंदर। अब क्या हुआ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं, मेरे अनियंस के रेट बढ़ गए। जब मेरे अनियंस के रेट बढ़ जाएंगे तो जनरली क्या होगा, या आप लेट से मैं कहता हूं टमाटोज के रेट बढ़ गए, मेरे अनियन छोड़ो आपके टमाटो पटैटो के रेट बढ़ गए। जब मैं अपने आपके कमोडिटी के रेट बढ़ गए, मेरी कमोडिटी के रेट तो नहीं बढ़े लेकिन आपकी कमोडिटी के रेट बढ़ गए, तो मैं भी क्या करता हूं, मैं कहता हूं मैं भी ना पटैटो और टमाटो सेल करने शुरू कर देता हूं। क्यों, क्योंकि उनके रेट बढ़ रहे हैं तो मेरे पास ज्यादा चांसेस होंगे कि मुझे प्रॉफिट ऑन हो जाए, क्योंकि रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है। तो इस केस में क्या होगा, मेरे गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी और मैं अदर गुड की सप्लाई क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, मतलब टमाटो पटैटो की सप्लाई बढ़ जाएगी और जबकि मेरे गुड़ की सप्लाई क्या हो जाएगी कम। क्यों, क्योंकि मैं भी क्या कर रहा हूं, अनियंस को छोड़ के टमाटो पटैटो सप्लाई करने क्या कर दिए मैंने, शुरू कर दिए। तो इस केस में मेरे अनियंस का रेट सेम है लेकिन आपके टमाटो पटैटो के रेट बढ़ रहे थे, तो मैंने क्या करा, मैंने भी टमाटो और पटैटो की सप्लाई करनी शुरू कर दी, अनियंस की सप्लाई क्या कर दी एक टाइम पर कम कर दी। तो इसका आपको बेसिक लॉजिक पता होगा कि जब भी सप्लाई बढ़ेगी, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के अलावा सप्लाई बढ़ती है तो कौन सा शिफ्ट आता है, राइट वर्ड। लेकिन अगर सप्लाई कम होती है तो कौन सा शिफ्ट आता है, लेफ्ट वर्ड। अभी डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। एज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट प्राइस ऑफ अदर गुड ऑल्सो। देयर कैन बी टू केसेस, लेट्स से आपके गुड का प्राइस बढ़ गया, मेरे गुड अनियंस का प्राइस नहीं बढ़ा। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड से वीट इंक्रीजेस, इसमें एग्जांपल वीट का लिया है, इट विल इंड्यूस द फार्मर टू कल्टीवेट वीट इन प्लेस ऑफ गिवन कमोडिटी। अब फार्मर भी क्या करेगा, टमाटो पोटैटो उगाने शुरू करेगा रादर देन अनियंस। से तो इट विल इंड्यूस द फार्मर टू कल्टीवेट वीट, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड से वीट इंक्रीजेस, जैसे मान लीजिए वीट के अलावा किसी और कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तो फार्मर विल इंड्यूस द फार्मर टू कल्टीवेट वीट इन प्लेस ऑफ द गिवन कमोडिटी से राइस। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, अगर वीट के रेट बढ़ गए तो वो क्या करता था, पहले राइस उगाता था, वो कहता मैं राइस नहीं उगा रहा, मैं भी वीट उगाऊंगा। क्यों, क्योंकि वीट के रेट क्या हो गए, बढ़ गए। तो इस केस में चेक करो, सब जो प्राइस था राइस का वो सेम था, लेकिन वीट के रेट बढ़ने से फार्मर या लेट्स प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं तो वीट बनाऊंगा, मैं राइस नहीं बना रहा। तो अल्टीमेटली राइस के रेट सेम होने के बाद भी राइस की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि वीट के रेट बढ़ने से सब लोग वीट बनाना शुरू कर रहे हैं, वीट की सप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो सप्लाई कब होगा राइस का, वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड, क्योंकि उसका मेन कमोडिटी कौन सा था, लेफ्ट वर्ड। और किस कमोडिटी की सप्लाई बढ़ेगी, वीट की। तो यहां पर आप चेक कीजिए, डायग्राम में दिया हुआ है, ये होगी क्वांटिटी सप्लाई ऑफ राइस और ये हो गया प्राइस। पहले उसका ओरिजिनल सप्लाई का भी ये था अपवर्ड स्लोपिंग, देखिए रेट सेम है, प्राइस सेम है, ये सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन पहले ये इतनी क्वांटिटी दे रहा था लेकिन इसकी सप्लाई क्या हो गई कम। तो देखिए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, एरो बना के दिखाया हुआ है, ये एस है, ये एस है और ये एस वन, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया।
तो पहले वो क्यू सप्लाई कर रहा था राइस का, लेकिन अब वो कितना सप्लाई कर रहा है, Q1। तो ये जो पोर्शन है इससे क्या हो गई, राइस की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि वीट के रेट बढ़ गए। अब रेट बढ़ गए तो ये प्राइस राइस का ही है और ये क्वांटिटी सप्लाई भी किसकी है, राइस की। लेकिन ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अदर गुड था उसके प्राइस बढ़ गए, तो लोगों ने क्या करा, राइस की सप्लाई कम कर दी और वीट की सप्लाई बढ़ा दी। लेकिन मुझे वीट का डायग्राम नहीं बना के दिखाना उसकी मेन क्वांटिटी कौन सी थी, राइस, तो मैं राइस का ही बनाकर दिखाऊंगा। अगर उल्टा होगा, सॉरी, अगर उल्टा होगा कि मान लो अब जैसे वीट और राइस का ले रहे हैं, मैं कहता हूँ वीट के रेट गिर गए और मेरे राइस के रेट सेम है, ठीक है। अब जो वीट बनाते थे, अब लेट से वीट जो बनाते थे वो भी कहेंगे हम वीट नहीं बना रहे, हम क्या सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, राइस, क्योंकि वीट के रेट में गिरावट आ गई लेकिन राइस के रेट क्या है, सेम है, तो हम भी राइस की सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, अब फार्मर्स क्या करेंगे, डिस्करेज होंगे टू प्रोड्यूस वीट और वो भी क्या सब मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे, राइस। तो इस केस में राइस का प्राइस सेम होने के बाद भी राइस की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जब राइस की सप्लाई बढ़ेगी तो वो कौन सा शिफ्ट लेगा, राइट वर्ड। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, पहले वो कितना सप्लाई कर रहा था, वो सप्लाई कर रहा था क्यू, लेकिन अब वो कितना सप्लाई कर रहा, राइट वर्ड शिफ्ट होने के Q1। तो दिस इज नोन एज फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो पहला हो गया प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ये, क्योंकि डिमांड से मोस्ट प्रॉब्ली चीजें क्लियर हो जाती हैं, बट फिर भी नहीं क्लियर तो यू कैन आस्क। सेकेंड कम्स प्राइस ऑफ इनपुट। अब इनपुट यहां पर ये PI लिखा हुआ है, तो दिस कुड बी प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम जो रॉ मटेरियल या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने सुना था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हमने सुना था, मैं कहता हूं कि लेट से मैं कोई कमोडिटी, मैं लेट से मार्कर्स बनाता हूं, प्लास्टिक वाले मार्कर जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे। अब मैं कहता हूं प्लास्टिक महंगा हो गया, मतलब प्लास्टिक उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, और वेजेस, लेबर की वेजेस महंगाई बढ़ गई तो लेबर ने वेजेस भी बढ़ा दी, जिसके कारण मेरा इनपुट, इनपुट प्राइस मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ गई। मैंने मार्केट में मेरा रेट सेम है, पहले भी 20 रुपए का मार्कर बिक रहा था, आज भी 20 रुपए का मार्कर बिक रहा है, लेकिन पहले मेरी कॉस्टिंग आती थी 15 रुपए, अब मेरी कॉस्टिंग आ रही है लेट से 18 रुपए। क्यों? क्योंकि वेजेस बढ़ गई और रॉ मटेरियल रेट बढ़ गया, तो 3 रुपए से कॉस्ट बढ़ गई। तो इसका मतलब पहले मैं 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा था और अब मैं सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, और जब भी प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई कम कर देता है। तो इस केस में चेक कीजिए, जब इनपुट का प्राइस, इनपुट प्राइस मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो सेलर सप्लाई क्या कर देता है, कम कर देता है। और अभी आपको बताया कि रेट अभी भी सेम है, 20 रुपए का ही बिकता है मार्केट में, तो प्राइस इज सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सप्लाई कम हो गई तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट वर्ड, तो ये लेफ्ट वर्ड शो करेगा। तो सेम पॉइंट वही आ रहा है इसके अंदर, कि पहले वो क्यू सप्लाई कर रहा था और अब क्या सप्लाई करेगा, Q1। उल्टा हो गया भाई, प्लास्टिक की कॉस्ट, लेबर की वेजेस लेट से कम हो गई, तो पहले 15 रुपए की कॉस्टिंग आ रही थी तो अब 12 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, मतलब पहले मैं 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर पा रहा था और अब मैं 8 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूं। तो जो मेरे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए सेलर के, तो सेलर कहेगा बेचो जितना बेच सकते हो, तो उस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो कौन सा शिफ्ट लेगी, राइट वर्ड शिफ्ट। तो देखिए, जब भी सप्लाई कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, सप्लाई ज्यादा होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट। तो ये हो गया डिक्रीज इन इनपुट प्राइस। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, वो एक सिंगल पॉइंट पे पूछते हैं, स्टेट हाउ सप्लाई इज अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के लिए सेम पॉइंट, ये रहा टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसके अंदर भी सेम पॉइंट उन्होंने दिया हुआ टेक्नोलॉजी के अंदर, कि मान लो टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। जब भी मॉडर्न का मतलब क्या होता है, कि अब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और हमारी सप्लाई मतलब हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसका मतलब सेम हुआ कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। जब कॉस्ट कम हो रही है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो इस केस में हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, प्राइस
सेम है, पहले भी वो 200 रुपए का बिकता था या 20 रुपए का बिकता था, आज भी वो 20 रुपए का बिकेगा, सिर्फ उसको बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न और एडवांस हो गई। तो इन दिस केस सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लायर के क्या बन गए, सप्लाई के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ गए। तो देखिए इस केस में सप्लाई का शिफ्ट कौन सा आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है आपकी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे नोकिया के साथ हुआ था। नोकिया ने क्या करा, नोकिया अपने क्वार्टर कीपैड्स पे रहा, अब सैमसंग और आईफोन्स इन्होंने टच फोन्स निकाल दिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। तो आपने देखा कि नोकिया मार्केट से खत्म ही हो गया था, अब दोबारा नोकिया कोशिश कर रहा है आने की मार्केट में, बट एक टाइम पर उसकी सप्लाई वगैरह क्या हो गई थी, बिल्कुल कम हो गई थी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो जब भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी या बैकवर्ड हो जाएगी, उस केस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, और जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे तो सप्लाई का किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। प्राइस पहले भी इतना था और आज भी प्राइस इतना ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। कल को पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ द सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, अगर आउटडेटेड और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी होगी तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देन अच्छा एक चीज और, इस वाले पॉइंट में कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो एडवांस होने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग कहते हो कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी, आपने मॉडर्न मशीन्स को मंगवाया, आप कहते हो उसका भी तो खर्चा लगा मॉडर्न मशीन्स को मंगवाने का, वो कॉस्ट वाला पार्ट हम कॉस्ट में एनालाइज करते हैं, क्योंकि जब मशीन मंगवाई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली तो उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म मिलेगा तो उसकी कॉस्ट को भी हम, जैसे फिक्स्ड एसेट्स होते थे अकाउंट्स में, तो उसकी एसेट की लाइफ, हम एसेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ में डिवाइड कर देते थे, तो उसकी कॉस्ट मिनिमली पड़ती है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का होगा। अभी मैं आपके डाउट्स लूंगा एंड ऑफ द सेशन में, बट आई थिंक ये बेसिक पॉइंट्स हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट आ गया, अदर देन प्राइस वाला, दैट इज टैक्सेस। लेट्स से जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैं सप्लाई करता हूं तो सप्लाई पे ही जीएसटी लगता है। जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, जब आप सप्लाई करते हो। दोस्तों मैंने आपको लेट्स से कोई भी कमोडिटी बेची, पहले उस पर जीएसटी से पहले हमारा कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर था, बैट वैल्यू एडेड टैक्स, अब जीएसटी आ गया। जीएसटी के आने, मैं कहता हूँ जीएसटी के आने के बाद टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए मतलब पहले टैक्स लगता था 10 रुपए, अब टैक्स लगेगा 12 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पेन की कॉस्ट जो मैं मार्केट बेचता था वो 20 रुपए का प्राइस था, ठीक है, मैं कहता था वो मार्केट बनता था 13 रुपए का और 2 रुपए का टैक्स लगता था बैट, तो 15 रुपए का बिक जाता था, 15 रुपए की टोटल कॉस्टिंग आती थी टैक्स मिला के, तो कहता था 5 रुपए का प्रॉफिट मेरा, प्रोड्यूसर ये कहता था और सेलर ये कहता था। लेकिन वो कहता है जीएसटी के आने के बाद अब 2 रुपए टैक्स नहीं लगेगा, अब 3 या 4 रुपए टैक्स लगेगा, तो मतलब पहले 13 रुपए मेरी कॉस्टिंग थी, 2 रुपए टैक्स लगते थे 15 हो गए, अब क्या हुआ 13 रुपए मेरी कॉस्टिंग है, 4 रुपए टैक्स लग गया, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 17 रुपए। अगर वो 17 रुपए हो गया तो देखो पहले मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, अब 20 में से 17 गए तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब मेरे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गए हैं, कम हो गए। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन टैक्सेस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएंगे, कम, और जब मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सप्लाई का किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेकिन प्राइस मेरा पहले भी 20 रुपए था और आज भी 20 रुपए है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन टैक्सेस। ऑन द अदर हैंड टैक्स कंसेशंस का मतलब क्या होता है, टैक्स में छूट मिलना। सब्सिडीज का मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट जब आपको कोई ग्रांट देती है या कोई बेनिफिट देती है, तो मान लो गवर्नमेंट कहती थी कि पहले 2 रुपए का टैक्स लगता था, कोई नहीं हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं 1 रुपए की, सब्सिडी मतलब या टैक्स कंसेशन दे रहे हैं कि हम आपको छूट दे रहे हैं 1 रुपए की, पहले आप 2 रुपए देते थे अब आप 1 रुपए ही टैक्स दोगे, मतलब पहले 13+2=15 होता था, अब वो कहते हैं कि 13+2 ही रहेगा 15 हो गया, लेकिन 1 रुपए हम आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे सब्सिडी के। तो इस केस में मेरी नेट कॉस्टिंग कितनी आई, 14 रुपए, तो पहले 20 में से 15 गए तो 5 रुपए प्रॉफिट बनता था,
लेकिन अब 20 में से 14 गए तो 6 रुपए का प्रॉफिट, मतलब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। जब भी प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट, तो इट विल शिफ्ट वर्ड्स राइट। तो देख लीजिए राइट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सेम। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, पहला पॉइंट आपने इसके अंदर पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। दूसरा आपने पढ़ा ये फैक्टर्स अदर देन प्राइस जहां से शुरू होगा वहीं से आपका लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड शुरू होगा। अगर प्राइस अदर गुड का बढ़ेगा तो हमारे गुड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और वाइस वर्सा। सेकेंड आपने पढ़ा इनपुट के रेट कम हो गए, तो इनपुट के रेट कम होने का मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली थर्ड पॉइंट बोलते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। भाई ऑब्वियसली मतलब होता है एडवांस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। जब हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे तो हम सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, सो इट विल बी टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, अगर आप पे टैक्स ज्यादा लग रहा है तो जब टैक्स ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आपको ये याद रखना है फैक्टर्स अदर देन प्राइस में इधर इट कुड बी लेफ्ट और राइट। राइट कब होगा, जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। लेफ्ट कब होगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अगेन इसका डायग्राम आई थिंक आप बना भी सकते हैं, खुद ही बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट शो करना है। देखिए फर्म के ना दो गोल हो सकते हैं। अब वो दो गोल होंगे कैसे, वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। लेट्स से आई एम अ न्यू फर्म, मैं नई कंपनी हूं और आपकी पुरानी कंपनी है। फॉर एग्जांपल नई कंपनी का मेन एम क्या होता है, व्हेनेवर द कंपनी इज न्यू और जस्ट एंटर्ड इनटू द मार्केट, तो उस फर्म का मेन एम क्या होता है, भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, यही मेन होता है। लेकिन जो ओल्ड कंपनी है, ओल्ड मतलब जो पहले से इस बिजनेस में है और काफी टाइम से बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका जब ऑब्वियसली वो काफी टाइम से इस बिजनेस में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज उनके पास कस्टमर अच्छा होगा ही ऑलरेडी। तो जब भी नई कंपनी जो होती है उसका मेन एम होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट मार्जिन पे इतना कॉन्सेंट्रेट अभी स्टार्टिंग में मत करो। लेकिन जब कमोडिटी जब जो फर्म्स पुरानी होती हैं उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमें अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज, हमें और प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करना है। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ, एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली एट अ हायर प्राइसेस ड्यू टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाउएवर विद द चेंज इन ट्रेंड सम फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई लार्जर क्वांटिटीज इवन एट द सेम प्राइसेस। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं हम तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी दे देंगे सेम प्राइस पे, हमें रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फर्म इज टू कैप्चर एक्सटेंसिव मार्केट एंड टू एनहांस देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज। तो इसका मतलब ये सेकेंड कंपनी के बारे में बात कर रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ दो कंपनी हमने जनरली सुनी है, एक सुना है लेट्स से रिलायंस और एक सुनिए टाटा, ये सबने सुनी है। अब लोग कहते हैं कि जैसे रिलायंस ऑब्वियसली बहुत सारा बिजनेसमैन, बहुत आर द बिग कंपनी, बट रिलायंस इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मीन्स उसका मेन मेन मोटिव हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ऑन द अदर हैंड जैसे टाटा, टाटा कंपनी इज मोर विलिंग टू सप्लाई, मतलब टाटा कंपनी हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमेशा क्या करते हैं, गुड्स को लोअर प्राइसेस पे देते हैं, दे थिंक अबाउट मिडिल क्लास पीपल, दे थिंक अबाउट नॉर्मल क्लास ऑफ पीपल। अभी कोई पैंडेमिक आया, कोरोना वायरस जैसा टाइप आया, तो टाटा कंपनी सबसे पहले आई कि हम 1500 करोड़ रुपए देंगे। सो दैट इज वॉट वो कहते हैं, हमें रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, लेट्स से टाटा नोमो।
टाटा नमक आप देखते हो कितनी सस्ती सस्ती थैली आती है, टाटा नमक ही देता है। और कोई, और आई थिंक ये प्यूरो वगैरह आपने सॉल्ट के ब्रांड सुने हैं, बट टाटा इज द प्रोडक्ट कितने सालों से जो नमक को बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे दे रहा है। व्हाई? बिकॉज वो कहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी दे देंगे इवन एट सेम प्राइसेस, बिकॉज उनका मेन एम क्या होता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करें, अपना स्टेटस को बढ़ाएं, प्रेस्टीज बढ़ाएं, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट का मेन एम सबका प्रॉफिट होता है, बट हमारा पहला मेन एम क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर, देन वी विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये इसका कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये पांच पॉइंट से जहां पर यू कैन फील लाइक कि सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। टोटल छह फैक्टर्स हैं, अदर देन प्राइस के पांच फैक्टर्स हैं।